नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों आज बात करेंगे 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के बारे में या फिर 31,000 प्राइमरी टीचर्स भर्ती के बारे में जो राजस्थान में रीट के थ्रू होने जा रही है। इस मामले में एक बहुत बड़ा टर्नआउट है और वो ये है कि आपको शायद ये जान करके बहुत बड़ी हैरानी होगी या फिर आप शायद ये जानना चाहते होंगे कि जो BSTC और BED के बीच विवाद चल रहा है, यानी कि काफी सारे भाई बहन BSTC पास हैं और लेवल 1 के योग्य हैं और काफी सारे भाई बहन BED क्लियर हैं और वो NCTE के नोटिफिकेशन के अनुसार लेवल 1 के लिए भी पात्र हैं और लेवल 2 के लिए भी पात्र हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है, आप सब जानना चाहते होंगे वास्तव में कि सरकार इस मामले में BSTC पास के साथ खड़ी हुई है या फिर BED वालों के साथ खड़ी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फिलहाल ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है किस स्टेटस पर है और इसका क्या नतीजा कब तक आ सकता है। तो इससे पहले बात करते हैं लर्न इंग्लिश वाले पार्ट पर। तो आज का जो लर्न इंग्लिश का टॉपिक है, आपको उन स्पेशल मीनिंग्स के बारे में बताऊंगा जो डेली यूज में हम लेते हैं और आपस में बातचीत में करते हैं, लेकिन चूंकि हमें उनका इंग्लिश स्पेलिंग इंग्लिश मीनिंग पता नहीं होता, हिंदी मीनिंग उसके हमें पता होते हैं, तो वो डिटेल भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पहला शब्द है जैसे छिछोरा। अपन कहते हैं भाई फलाना व्यक्ति तो काफी छिछोरा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे फोपिश। अगला है खड़ूस। हम कहते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा खड़ूस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रूड। तो रूड का आपने काफी सुना होगा, लेकिन हिंदी में इसको खड़ूस कहते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। गंवार का शब्द काफी प्रयोग करते हैं, तो गंवार को हम इंग्लिश में कहेंगे योकल। अब कहेंगे बातूनी। काफी सारे भाई बहनों को बात करने का शौक होता है, तो उनको कम कहेंगे वर्बस। फिर अगला है चिड़चिड़ा, यानी कि कई बार एनॉयडनेस होती है, तो वो तो आप सबको पता है चिड़चिड़ा कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक मीनिंग है जिसको हम कहेंगे ग्रम्पी, यानी कि चिड़चिड़ा। फिर है मंदबुद्धि। हम कहते हैं भाई काफी मंदबुद्धि व्यक्ति है ये, और ये हम सब पढ़ते हैं जब UPTET की तैयारी करते हैं, रीट की तैयारी करते हैं, CTET की तैयारी करते हैं, तो बुद्धि वाले पार्ट में हम मंदबुद्धि भी पढ़ते हैं, तो उसको हम कहेंगे मॉर्न। ठीक है ना, मॉर्न। फिर है अगला गुमराह। जब कोई किसी को गलत रास्ते पर ले जाता है सही बातें दर्शाते हुए, तो उसको कहते हैं गुमराह करना, इसको हम कहेंगे एस्ट्रे। तो इस प्रकार ये मीनिंग्स हैं जो डेली यूज आते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के तहत, आप इन्हें याद कर सकते हैं। एक्चुअल में आज इसकी सुनवाई थी और ये उम्मीद थी कि भाई आज BSTC वालों के हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुनवाई आगे के लिए टल गई। 22 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी, तो 22 नवंबर तक के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, विवाद क्या है कि NCTE की गाइडलाइन या NCTE का नोटिफिकेशन ये कहता है कि लेवल 1 में जो BED क्लियर भाई बहन है वो भी अपीयर हो सकते हैं और उनको भी नियुक्ति दी जा सकती है। राजस्थान सरकार ये कहती है कि NCTE का नोटिफिकेशन राजस्थान राज्य पर लागू नहीं होता, और इस मामले में राजस्थान सरकार पूरी तरीके से BSTC स्टूडेंट जो मेरे भाई बहन है जो लेवल 1 के योग्य हैं उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था तभी BED वाले लेवल 1 में अपीयर हो पाए थे, वरना राजस्थान सरकार कभी नहीं चाहती थी कि BED जो स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई बहन वो लेवल 1 में अपीयर हो। ये अभी तक का स्टैंड था सरकार का। अब क्या स्थिति है, अभी कुल मिला के सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन निकाला था 31,000 के लिए रीट भर्ती का, तो उस नोटिफिकेशन में BED को अलाउ नहीं किया था लेवल 1 के लिए। जब BED वाले हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अलाउ किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का स्टैंड क्या है, क्लियर है, सरकार BSTC वालों के पक्ष में खड़ी हुई है, NCTE की गाइडलाइन को, NCTE के नोटिफिकेशन को भी नकार रही है, और सरकार ने बकायदा हलफनामा दिया है कोर्ट में और कहा है कि लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी है उनके अनुसार पर्याप्त संख्या में BSTC पास स्टूडेंट सरकार के पास उपलब्ध हैं, सरकार उन्हें नियुक्ति देना चाहती है लेवल 1 पर। लेकिन कोर्ट में मामला है, कोर्ट का फैसला आएगा, वो फैसला ये बताएगा कि लेवल 1 में क्या केवल BSTC वालों को ही पात्र माना जाएगा या BED वालों को भी पात्र माना जाएगा। अब जबकि आगे की स्थिति देखें, टाइम काफी आगे निकल रहा है तेजी से, और इवन दैट लेवल 1 में नई जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार तो लेवल 1 में 1 से 5 तक क्लास के लिए जो PG स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 साल का MED BED कोर्स किया हुआ है वो भी अपीयर हो सकते हैं। ये नया नोटिफिकेशन है, बिल्कुल NCTE की गाइडलाइन है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है सेपरेट, पूरी डिटेल आपको बता रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में 2030 के बाद क्या स्थिति होनी है कि जो 4 साल का इंटीग्रेटेड BED कोर्स करेगा, चाहे वो BSc BED हो, चाहे BA BED हो, चाहे BCom BED हो, वही टीचर बन पाएगा, बाकी ये 2 साल वाला 1 साल वाला BED कोर्स सब आपका बेकार हो जाएगा। तो इससे पहले आपका सिलेक्शन कहीं हो जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर आपको दोबारा से BED की डिग्री लेनी होगी।
सरकारें बदलती रहती हैं, डिसीजन चेंज होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति मैंने आपको बताई है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी जो 31,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो सारी कोर्ट के फैसले के अधीन है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने जिद में आकर के जबरदस्ती 36 दिन में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उस हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते सरकार किस करवट फैसला लेगी या क्या आगे हो सकता है। खैर, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे देनी थी कि सरकार किस पाले में खड़ी है, ये बताना इस वीडियो का उद्देश्य था। बाकी फैसला अभी कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जैसा डिसीजन देगा वैसा ही सरकार को करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।